डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ऑब्जेक्टिव वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस प्रश्न को आप कैसे सोल्व कर पाएंगे। इसके पहले मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे, जो कंसेप्ट वाली वीडियो था, उसको मैं आपको करवा दिया हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बाई बीरबल प्रसाद सर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव बीन राइडिंग नन स्टॉप फॉर आवर्स, मतलब आप घंटों तक सवारी किए हैं या फिर आप घंटों तक सवारी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, नन स्टॉप का मतलब है कि बिना रुके हुए। उसके बाद लिखा है यू खालिस्तान बी वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं और साफ साफ इस प्रश्न में पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मस्ट, यानी यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा आपका मस्ट होगा। मस्ट इसीलिए होगा क्योंकि ये सेंटेंस साफ साफ ये बता रहा है कि आप घंटों तक सवारी कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल मतलब अवश्य एकदम ज़रूरी आप थक गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे टायर्ड का मतलब थक जाना होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी मस्ट होगा। दूसरा नंबर देखिएगा, हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहता है खालिस्तान यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। ये क्वेश्चन में मैं आपको दो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ होता है वुड यू माइंड और यहाँ पे खाली स्थान होगा और ये टेंस में पूछा जाएगा ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे खाली स्थान होगा और पूछेगा यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आप याद रखना वर्ब की चौथी फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म लगेगा। अब मैं वापस से आ जाता हूँ इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे। कहता है कि वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, मतलब क्या आप कुछ समय के लिए खड़ा होगे तो उसके लिए बुरा तो नहीं मानोगे। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ आग्रह करते हो किसी काम के लिए, तो इस तरीके से अगर उसकी पसंद को पूछते हो, अगर आपको शक होता है कि वो अगर ये काम करेगा या नहीं करेगा, तब आप पूछते हैं वुड यू माइंड, उसके बाद बिफोर लगाते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब एक बात आप याद रखना, आपके एग्जाम में आप याद रखना कि अगर कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है यू माइंड, याद रखिएगा ये आपको सेम टू सेम यही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि एक फ्रेजल जो फ्रेज होता है ना उसके तरीके से ये काम करता है। तो माइंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है एक्चुअली, तो यहाँ पे वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट मतलब हुआ कि आप कुछ समय, क्या आप कुछ समय के लिए खड़ा होगे। तो इस तरीके से हम वुड लगाकर क्वेश्चन करते हैं, आग्रह करते हैं, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर है यू खालिस्तान नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कैन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैन का प्रयोग हम क्षमता या फिर कोई भी ताकत जैसी कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी चीज़ होती है उसमें हम करते हैं। ठीक है, मे का प्रयोग संभावना के लिए और वुड का प्रयोग हम किसी चीज़ की पसंद बताने के लिए या फिर कोई भी चीज़ उस तरीके की पास्ट में एक्टिविटी होती है तब हम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे होगा यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, मतलब आपको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये आपको 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द स्टूडेंट्स खालिस्तान ओबे देयर टीचर। अब देखिएगा ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में वही लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे है द स्टूडेंट खालिस्तान ओबे देयर टीचर। तो यहाँ पे जब भी ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बड़े लोगों के साथ, जैसे यहाँ पे टीचर हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, ये आपका क्या है, एक मोरल वैल्यू है, एक आपकी संस्कार है, ठीक है ना। तो और अगर आप बड़ों की आज्ञा मानते हो अपने माता पिता की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप आउट टू का प्रयोग यूज करते हो, मतलब आउट टू यूज करते हो मॉडल वर्ब। यहाँ पे सूड का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन सूड और आउट टू दोनों ऑप्शन में रहेगा तब आप आउट टू को चूज करोगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आउट टू नहीं होता तब हम सूड का प्रयोग करते, और मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया है कि सूड और आउट टू में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान यू हेल्प मी प्लीज। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फिर से कोई चीज़ आग्रह करके मांगी जा रही है। कहता है यू हेल्प मी प्लीज, मतलब आप मुझे देंगे, क्या आप मुझे देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन कर किया जा रहा है। यानी पोलाइटली जब कोई भी चीज़ हम मांगते हैं तब हम यूज करते हैं इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल वर्ब यूज होते हैं, ठीक ना, आग्रह करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से जो पांचवा नंबर क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आपका यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो होगा मे यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे मदद करेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आप कैन लगाते हैं, मतलब इस तरीके से आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी प्लीज, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने से छोटे से, मतलब आपके एज में या फिर आपके पोस्ट में अगर आपसे छोटे हैं तब आप कैन का यूज करते हैं, और मे का यूज किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए और रिस्पेक्ट देकर आग्रह करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैन और मे दोनों ऑप्शन में है और आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, तब आप मे का प्रयोग करिएगा। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा दे खालिस्तान डू दिस वर्क, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है दे खालिस्तान डू दिस वर्क, मतलब वे लोग इस काम को कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्षमता, अगर काम करने की यहाँ पे कैपेसिटी की बात कर की जा रही है ना, उसकी क्षमता की बात की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कैन, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कि ऐसा इसलिए होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मॉडल वर्ब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही होते हैं, लेकिन जो मॉडल वर्ब सबसे ज़्यादा सही आपको लगेगा, या फिर आप यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा वो आपका राइट आंसर होगा उस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया दे कैन डू दिस वर्क, मतलब वे लोग इस काम को कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है सातवां नंबर, खालिस्तान यू लीव लॉन्ग। तो देखिए ये भी पूछा गया है 2016 के बोर्ड एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया है और आप लोग को आता भी है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ही यहाँ पे लगा हुआ इस तरीके का इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो आपको पता होगा किस तरीके के सेंटेंस में जो हमारा जो मॉडल वर्ब होता है वो मे होता है। हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, मतलब इस तरीके का हम प्रार्थना इच्छा ये सब करते तो हम करते हैं। तो सातवां नंबर का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
आठवां नंबर क्वेश्चन है बी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिएगा ये कंसेप्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे आज जो मैं प्रश्न लिया हूँ ना सारे पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन थे उसको मैं छोड़ दिया हूँ, जो उतने ज़्यादा बहुत इजी थे उसको मैं छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे उसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब हम लोगों को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके का आप यहाँ पर क्या लगाओगे, शुड लगाओगे या मस्ट लगाओगे? तो शुड का प्रयोग हम किसी जनरल किसी छोटी मोटी सलाह के लिए करते हैं और यहाँ पे सड़क का नियम पालन करना एकदम ज़रूरी बात है ना, मस्ट है, नहीं करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो मस्ट का प्रयोग करेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन के लिए मस्ट का प्रयोग आपका होगा, यानी मस्ट आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बात और याद रखिए, जब भी आपको नियम कानून की बात की गई हो तब आप मस्ट का प्रयोग करिएगा, क्योंकि उसमें आपको उन नियम को पालन करना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा जो नौवां नंबर क्वेश्चन है कहता है वन खालिस्तान डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, मतलब कहता है कि हर एक कोई को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे दो बातें आप याद रखिए। पहला कि ओवन जो होता है इसका जो आपका होता है पोसेसिव एडजेक्टिव वो ओवंस होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, पहली बात, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे कोई को जो अपना काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जनरल बात है या फिर ये ज़रूरी है, अब आप ही बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, नौ नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर होगा आपका चाहिए के सेंस में, तो यहाँ पे आप शुड भी कर सकते हो, ठीक है ना, और शुड आपका सही आंसर है। वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, मतलब हर एक कोई को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ये उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऐसा ये सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और ये सब पूछे हुए हैं आपको पता है। दसवां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान आई ओपन द विंडो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें आग्रह करके पूछा जा रहा है कि क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ ऑप्शन के हिसाब से एक ही मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है जो कि है मे। अगर हम अपने से बड़े आदमी को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी चीज़ आग्रह करते हैं, जैसे मेरे अंकल और मैं बैठा हुआ हूँ अपने रूम में, तो मैं अंकल से पूछूँगा मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे मे का प्रयोग होगा और बाकी जो ऑप्शन है उनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो दसवां नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कहता है बी केयरफुल, सावधान रहो, ठीक है ना, या फिर सावधान हो जाओ लेस्ट यू खालिस्तान फेल इंटू द मड। मड का मतलब होता है जो आप बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो आपके जो शहर या फिर गांव की जो गलियां होती है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पे कीचड़ आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कीचड़ को मड बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सावधान रहो नहीं तो तुम कीचड़ में गिर जाओगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे ना लेस्ट एल ई एस टी लेस्ट जैसे ही दिखाई दे, याद रखना इसका अगला जो क्लॉज होगा, मतलब इधर वाला जो सेंटेंस, इसमें हमेशा और हमेशा शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बारहवां नंबर क्वेश्चन कहता है खालिस्तान यू क्लाइंब अ पाम ट्री। अब देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुम पाम ट्री पे चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर उसकी काबिलियत होगी, अगर वो समर्थ रहेगा चढ़ने में, कुछ तो चढ़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए ना, उसमें कुछ
बातें हैं ना, कहने का मतलब वो पाम ट्री पे चढ़ेगा तो उसके पास पावर होनी चाहिए, कुछ ताकत होनी चाहिए, तभी तो चढ़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कैन का यूज करोगे और आप कहोगे कैन यू क्लाइंब ए पाम ट्री, क्या पाम ट्री पे चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कैन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बी खालिस्तान ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये कंसेप्ट यानी ये रूल बताया है कि जब भी कोई नियम या फिर कानून की बात की गई हो तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में नियम को मानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में आप जो मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वो आप करेंगे मस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, क्लियर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बी खालिस्तान रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है ये कंसेप्ट इसी वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ। कहता है बी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि जब बड़े लोगों को आदर करने की बात होगी तो ये हमारा नैतिक संस्कार होगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप शुड और आउट टू दोनों करोगे, लेकिन आउट टू आपका ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि शुड तो जनरल सलाह के लिए होता है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आउट टू होगा। 15 नंबर क्वेश्चन ही खालिस्तान कम टुडे। अब यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि वह आज आएगा, ऐसा हो सकता है, तो बिल होना चाहिए, ठीक ना, ही के साथ बिल लगेगा। तो कोई ऑप्शन में बिल नहीं है, तो अब दूसरी बात सोचेंगे हम, ठीक है ना। ही खालिस्तान कम टुडे मतलब ही मे कम टुडे, शायद वह आज आ सकता है, ऐसा हम अनुमान लगाएंगे तो हम बोलेंगे ना ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो संभावना के लिए तो हम मे यूज करते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन यानी मे। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल वर्ब के इम्पॉर्टेंट जो रूल थे उसके मैंने सारे ऑब्जेक्टिव और रूल भी करवा चुका हूँ अलग वीडियो में। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।